महाराष्ट्र भवन के लिए जगह देने का देने की बात हमने विनंती की है इस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, और उन्होंने सकारात्मक भूमिका ली हुई है और यहाँ जरूर महाराष्ट्र भवन बड़ा बन जाएगा। धनुष बाण प्रभु रामचंद्र की जी के आशीर्वाद से मिला है, बाबा साहेब ठाकरे जी के आशीर्वाद से मिला है, तमाम जनता के आशीर्वाद से मिला है। हम महाराष्ट्र में समर्पित भाव से हमारे आखिरी सांस तक ये हम महाराष्ट्र की जनता की सेवा करेंगे। एक 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 जन पूछो। अरे भैया, उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र अभी अलग नहीं है, वो हमारे साथ में खड़े हैं, पूरे खंडे से खंडा मिलाकर। सुनिए एक मिनट, एक मिनट जवाब तो सुन लीजिए। अभी जो वहाँ पर जो उत्तर भारतीय रहते हैं, जो जो महाराष्ट्र मराठी लोगों को जो सहूलियत मिलती है, वो जो कई सालों से वहाँ उत्तर भारतीय भी रहते हैं, सभी समाज के रहते हैं, वो सब हमारे मुंबई वासी हो गए, महाराष्ट्र वासी हो गए, उनको वो सब मिल रहा है। महाराष्ट्र भवन के लिए जगह देने का देने की बात हमने विनंती की है इस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, और उन्होंने सकारात्मक भूमिका ली हुई है और यहाँ जरूर महाराष्ट्र भवन बड़ा बन जाएगा। और ये भी कहूँगा कि हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे महाराष्ट्र भवन ऐसा बन जाएगा। हिंदी हिंदी हो गया। महाविकास आघाडी, आता तुम्ही त्यांना विचारलं पाहिजे, आता तुम्ही दिसतंय त्यांच्यामध्ये, कोण इकडे बोलतोय, कोण तिकडे बोलतोय, कोण तीन तिकडा काम बिघडा, कोण डोळा मारतोय। त्यांना त्यांना ॲलर्जी झाली होती, ऍसिडिटी ऍसिडिटी। हा हिंदी 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 हा बस देखिए, वो हमारी ऐसे दोस्ती के संबंध है उनके साथ, क्योंकि पहले जब हम उनके साथ थे तो उनको उनकी एलर्जी थी, इसलिए उनको हम नहीं मिल पाते। अभी हमारे को कोई रोक टोक नहीं, तो वो अच्छे इंसान है, अच्छा काम कर रहे, और निश्चित रूप से मैं नहीं, राजनीति कोई मुद्दे पे चर्चा नहीं हुई, लेकिन हमारा भाईचारा है, मिलते रहते हैं। हमारे पार्टी की भूमिका स्पष्ट है, हमारी शिवसेना भाजप की अलायंस है, और हमारी विचारधारा एक है, हिंदुत्व की विचारधारा है, और राम लल्ला के दर्शन के लिए हम लोग जब आए हैं, यहाँ से ऊर्जा प्रेरणा लेकर जाएंगे, हमारे महाराष्ट्र में सुजलाम सुफलाम करेंगे, लोगों की समर्पित भावना से सेवा करेंगे, और 2024 में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का भगवा महाराष्ट्र पे पूरे बहुमत से लहराएगा।